तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज मैं जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं क्लास 12th सब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें जो है मैंने लगभग 20 से 21 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिनमें जो है आपको आपके पेपर में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपकी स्कोरिंग अच्छी हो जाएगी। और इस वीडियो को जो है मैं बता दूं, ये वीडियो हमारा पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों ये जो है इस पार्ट में जो है मैंने आपको लगभग, जो मैंने बोल दिया, 20 से 21 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे जैसे कई बार आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम में भी, और साथ में आपके जो हाफ ईयरली, त्रिमासिक और साथ में प्री बोर्ड एग्जाम में भी। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है वो पहला क्वेश्चन है, सुदूर संवेदन को परिभाषित कीजिए। इसमें दोस्तों आपको जो है सुदूर संवेदन यानी कि जो है कम्युनिकेशन का जो है को परिभाषित करना है। इसमें इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो है आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दोस्तों दूसरा है संयुग्मी फोकस को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये संयुग्मी फोकस भी आपसे पूछी जा सकती है। एक जो है लेंस की फोकस दूरी भी आपसे पूछी जा सकती है कि लेंस की फोकस दूरी को परिभाषित करो, तो आपको इसको भी याद कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इसका। तीसरा है दोस्तों, मॉड्यूलन क्यों आवश्यक है समझाइए। इसमें जो है इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मॉड्यूलन क्यों आवश्यक है। इसमें जो है आपसे जो है रीजन पूछा गया है, यानी कि रीजन यानी कारण पूछा गया है कि मॉड्यूलन आवश्यक क्यों है। तो आपको इसका कारण देना है कि मॉड्यूलन की क्या आवश्यकता है और ये क्यों होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन दोस्तों इसमें सिलेक्ट किया है मैंने, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। दोस्तों आपसे वो ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में या फिर इसी में एक साथ में। ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग 4 या 5 नंबर में देखने को मिल सकता है प्री बोर्ड में। आप इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विद्युत धारा को परिभाषित करो, इसकी अकेली परिभाषा भी पूछ सकता है विद्युत धारा की। और साथ में आपसे जो है वो अनुगमन वेग की भी परिभाषा पूछ सकता है कि अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपसे पूछ सकता है कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। इसके अलावा दोस्तों वो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विद्युत धारा के यहाँ पे अनुगमन वेग और धारा का नत्व। ये क्वेश्चन मैंने इसमें सिलेक्ट नहीं किया है, बट ये पूछा जा सकता है कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करें। तो आपको जो है इसका संबंध जो है आपको स्थापित करना, और इसको भी धारा घनत्व को भी साथ में परिभाषा भी याद कर लेनी है। इसमें जो है दोस्तों अब 5वें नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं थर्मिस्टर क्या है उपयोग सहित लिखिए। तो आपको इसमें जो है थर्मिस्टर की परिभाषा देना है और उसके उपयोग लिख देना है। आपको लगभग 3 या 4 बहुत हो जाएंगे। इसमें जो है दोस्तों 6वें नंबर क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, क्रांतिक कोण तथा माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। जैसा कि आपको लोगों को पता ही दोस्तों, वो आपसे क्रांतिक कोण की परिभाषा तथा माध्यम के अपवर्तनांक के बारे में भी पूछ सकता है, और साथ में इनमें संबंध भी पूछ सकता है। तो आपको ये भी याद कर लेना है। ये दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं कारण लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, ये जो है प्रकाश का जो है परावर्तन करते हैं, और इस कारण ये हमें जो परतें होती हैं वायुमंडल में, जैसे कि परतों से जो है ये टकरा कर इनकी जो दृश्य प्रकाश होता है वो ऐसा होता हुआ आता है, इसीलिए हमें ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें जो है दोस्तों 8वां है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हेतु सूत्र निर्गमित कीजिए। ये आपसे प्रिज्म के बारे में एक क्वेश्चन पक्के में आने वाला है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, तो आपको इसे जो है जरूर से जरूर याद कर लेना है। दोस्तों इसमें जो है 9वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग किन्हें कहते हैं, इनकी विशेषता लिखिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। इसमें जो वो चॉकलेट ऐसा चित्र बनता है दोस्तों, ऐसा ही कुछ चित्र बनता है, और इसमें जो है वो विद्युत बल रेख चुंबकीय तरंगे, ठीक है, और इनका जो है इनके जो है गुण भी आपको विशेषताएं जो होती है कि दो
चुंबकीय तरंगों के किन्हीं बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ऐसी जो विशेषताएं आपको वो बतानी है, इसमें जो है 10वें नंबर का सबसे मोस्ट आए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में लिखी है एवं इसे सिद्ध करो। तो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, और इसके साथ एक एक चादर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से एक चादर को चादर के लिए शायद वो सिद्ध करना होता है। क्वेश्चन वो मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, नेक्स्ट पार्ट में वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों को सचित्र लिखिए, सचित्र समझाइए। तो आपको इसमें जो है किरचॉफ के दोनों नियमों को परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या आया था। 12वां, सॉरी दोस्तों, तो ये 12वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्णक्रम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आपको सिर्फ शर्तें लिख देनी है यहाँ पर, शायद से आपको 4 नंबर पूछा जाए तो 4 नंबर, 4 आपको शर्तें लिख देनी है। 13वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धारावाहिक वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको सिर्फ चुंबक क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर लिखिए। ये अंतर जो है बहुत ही मोस्ट है, ये जरूर से जरूर आपको लगभग से लगभग 95% ये क्वेश्चन आने की संभावना है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, बोर के परमाणु मॉडल की अभिकल्पना है। तो ये अभिकल्पना जो है इसे विशेषताएं भी कहते हैं, तो ये भी आ सकता है, ये भी काफी सही क्वेश्चन है। ये जो है आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि बोर के परमाणु मॉडल की अभिकल्पना विशेषताएं लिखिए, तो आपको उसको लिख देना है। और इसमें जो है दोस्तों, अब 16वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक में अंतर लिखिए। तो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, जैसा कि आप जानते हैं कि ये नरम लोहे के बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में ये एक अंतर है, ठीक है। विद्युत चुंबक का मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको वो भी कर लेना है। इनमें जो है आपको अगर ये 4 नंबर में आया तो 4 ही लिखकर आना है अंतर दोस्तों। इसमें जो 17वां क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत एवं सेतु संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध। सबसे पहले आपको इसका सिद्धांत लिख देना है, उसके बाद सेतु संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें लिख देनी है। प्रतिबंध यानी शर्तें होती हैं दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों, अब 18वें नंबर का क्वेश्चन है, हाइजेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए। तो दोस्तों आपको जो है हाइजेन का द्वितीयक तरंगिकाओं, जो तरंगें होती हैं उनके लिए जो है सिद्धांत को जो है समझाना है, तो आपको ये भी कर देना है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश एक तंतु क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। दोस्तों इसमें जो है प्रकाशिक तंतु को अलग से परिभाषित कर देना है आपको, और इसके बाद इसमें जो है जो लिख देना है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम क्वेश्चन ये आपको पक्के में देखने को मिलेगा, इस 98% ये क्वेश्चन आ सकता है कि बायो सेवर्त का नियम लिखिए, धारा मात्रक को की परिभाषा दी थी इसकी सहायता से, आपको बायो सेवर्त के नियम से धारा मात्रक की परिभाषा देना है। तो दोस्तों अगर आपको मैं आपको बता दूं कि हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और जो है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और साथ में आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये है दोस्तों, वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 2 क्वेश्चन अलग अलग लिखने की जगह एक ही जगह पर लिख दें, एक अक्षीय स्थिति के लिए क्वेश्चन बनेगा, दूसरा निरक्षीय स्थिति के लिए क्वेश्चन बनेगा। इसमें जो है दोस्तों, साथ में आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति अलग अलग से भी याद कर लेनी है, और साथ में एक क्वेश्चन विभव वाली अक्षीय व निरक्षीय स्थिति से आ जाता है कि विद्युत ध्रुव के कारण है अक्षीय निरक्षीय स्थिति में विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करो, ठीक है। उसमें तीव्रता नहीं आती है, उसमें विभव के लिए आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें देखने के लिए। धन्यवाद।